हेलो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये रेसिपी चिकन पुलाव की है। चिकन पुलाव की रेसिपी की फरमाइश मेरे पास बहुत टाइम से थी। आई एम रियली सॉरी मरवा कि ये फरमाइश मैं काफ़ी दिन बाद पूरी कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है चिकन पुलाव की, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। करीब मैंने यहाँ पर 1 किलो, 1.25 किलो चिकन लिया है, और 1.25 किलो चिकन में यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, करीब 2 टेबल स्पून भर करके जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, और 1 कप भर कर दही, 2 बड़े प्याज लेकर उन्हें बारीक काट लें इस तरह से, और 4 चाय के चम्मच, 4 टीस्पून यानी कि सॉल्ट, नमक, और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने सौंफ का पाउडर लिया है यानी कि फेनल सीड्स पाउडर, फेनल पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर 1/2 टीस्पून, और यहीं पर 6 से 7 मैंने हरी मिर्च ली है, आप चाहें तो मोटी वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 नींबू। साथ में कुछ गरम मसाले हैं, यहाँ पर कुछ गरम मसाले हैं, 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर क्यूमिन सीड्स लिया है यानी कि ज़ीरा, और यहाँ पर 4 से 5 बड़ी इलायची ली हैं। इनका मुंह हमें इस तरह से खोल लेना है जिससे कि अच्छे से बीज बीज निकल आए। 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर कॉर्न्स लिए हैं यानी कि काली मिर्च, 1/2 टीस्पून क्लोव्स यानी कि लौंग, बादियान के फूल यानी कि स्टार नाइस, और यहीं पर ये शाह ज़ीरा का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, 8 से 10 छोटी इलायची, और 5 से 6 मैंने यहाँ पर बेलीव्स लिए हैं। इन सारे गरम मसाले को, बेलीव्स को छोड़कर सारा ही गरम मसाला मैं थोड़ा सा कूट लूँगी जिससे कि इसकी खुशबू अच्छे से निकल आए, और करीब 1 से 1.5 कप मैं यहाँ पर ऑयल इस्तेमाल करने वाली हूँ। चावल पहले ही मैंने धोकर भिगो दिए हैं जो कि 6 कप है। तो अब हम शुरू कर लेते हैं बिरयानी की, पुलाव की रेसिपी। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में, जिसमें भी आपको पुलाव बनानी हो उसमें, मैंने ऑयल गरम कर लिया है, और यहाँ पर हमने प्याज ऐड कर देनी है, और प्याज को फ्राई कर लेना है। यहाँ पर प्याज हल्के हल्के सुनहरे हो चुके हैं काफ़ी हद तक, तो थोड़ा सा प्याज, ये देखिए इतना प्याज मैं निकाल दूंगी, ये हम बघार के लिए रखेंगे, ये देखिए, और वो प्याज हमने ये थोड़ी सी निकाल ली थी कटोरी में, और अब हम इसमें फटाफट से ये सारा गरम मसाला, ये हमने कूट लिया था जिससे कि खुशबू बहुत अच्छे से आ जाए, ये सब हमने इसमें डाल देना है, और साथ ही हमने चिकन इसमें ऐड कर देना है, और यहीं पर और मसाले भी। अब यहीं पर हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, और नमक भी हम इसमें यहीं डाल देंगे यानी कि सॉल्ट, और यहीं पर हम दही ऐड कर देने वाले हैं, और इसको अब मैं भून लेती हूँ। तो देखिए जैसे ही हमने चम्मच हिलाया, सारा जो कुछ भी ऑयल था वो एकदम ठंडा पड़ने लगा। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है चिकन की यखनी तैयार नहीं करी, क्योंकि ये यखनी में जो है ये हमने धनिया पाउडर ऐड किया है, यहीं पर सौंफ पाउडर भी हमने ऐड कर दिया, क्योंकि यखनी में मुझे लगता है कि मैं भी यखनी के साथ बनाया करती थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। आज मुझे जल्दी है तो मैंने सोचा कि ये इस ट्रिक से मैं बनाती हूँ, और ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और प्लीज़ जो भी मैं रेसिपी बना रही होती हूँ उससे रिलेटेड रेसिपीज़, जैसे कि मैंने यहाँ पर आज मैं आपको चिकन पुलाव की रेसिपी दे रही हूँ, तो इसी से रिलेटेड जो भी बिरयानी पुलाव जो भी मेरे चैनल पे है उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे देती हूँ। प्लीज़ जो ऊपर आई बटन शो हो रहे होते हैं उनको ज़रूर आप चेक कर लिया करें। तो करीब 5 मिनट हमें इसको अच्छे से भूनना है। तो देखिए ये बिल्कुल यखनी की तरह भुनकर चिकन तैयार हो गया, और यकीन करें ये बिल्कुल खुशबू यखनी भुनने जैसी ही आ रही है, क्योंकि सारा मसाला वही डला है। अब ये नींबू और हरी मिर्च जो है, हरी मिर्च को हमने बीच में से 2-2 टुकड़े कर लिए, और नींबू के इस तरह छल्ले बना दिए हैं, ये भी हमने यहाँ ऐड कर दिए, और अब हम इसमें पानी कर देते हैं। तो इस वक्त मैं यहाँ पर 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ,
और बाकी का पानी मैं ज़रूरत के हिसाब से जब हम चावल डाल देंगे, ये बॉटल मेरी 1 लीटर की बॉटल है, इससे अंदाज करके मैंने डाला है, और चावल डालने के बाद जैसे ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम डालेंगे। तो अब मैं इसे ढक देती हूँ, इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये देखिए इस वक्त यहाँ चावलों में उबाल आ चुका है, नमक चावल डालने के बाद, ये देखिए चावल यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो देखिए चावलों के बाद चावल डाल के हमने यहाँ पर पानी ऐड किया है, पानी इतना होना चाहिए, जो चम्मच है हमारा, ये देखिए बोटियाँ वगैरह सब डूबी हुई हैं, चम्मच जो है हमारा ये देखिए इतना 4 उंगल के बराबर हमने पानी रखा है। तो अब हम इसमें एक उबाल आने देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मैं आगे करना है। कि यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है, इस वक्त पर हमने नमक चख लेना है, अगर नमक हल्का है तो इसमें यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर करीब 2 चम्मच और ऐड कर रही हूँ नमक, और इसे चला देंगे। किनारों से हमें चलाना होता है, बीच से बिल्कुल ना चलाएं, नहीं तो चावल टूट जाते हैं और बिल्कुल जायका ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए चावलों में जब अच्छे से उबाल आ जाए, उसके बाद आप लो फ्लेम करके, जब पानी एक हद तक खुश्क हो जाए तो आपको लो फ्लेम करनी है और फिर ढककर पकाना है। देखिए पानी अब इतना खुश्क होने लगा कि चावल हमें नज़र आने लगे। जो पानी का हिसाब मैं बता दूं, उस टाइम शायद आपको ठीक से समझ ना आया हो, चावल करीब जो जब हम पानी डाल दें तो जो चम्मच हमारा डूबे वो करीब 2 इंच तक डूबना चाहिए, उतना पानी चावलों में सही रहता है। उससे ज़्यादा अगर पानी होगा तो चावल ख़राब हो जाएंगे, कम होगा तो चावल जल जाएंगे और गलेंगे नहीं। तो ये चावल हमें बहुत नज़र आने लगे, तो करीब 2 से 3 मिनट में और इसे खुला पकाऊंगी और उसके बाद हमें इसको ढककर पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पर चावल बिल्कुल साफ तौर पर नज़र आने लगे। अब हम लो फ्लेम करेंगे, बिल्कुल लो पर हमने कर देना है और चावल ढक करके करीब 5 से 10 मिनट हमें पकाना है, जब तक कि चावल गल ना जाए। तो अब मैं इसको दिखाती हूँ 5 से 10 मिनट बाद। 10 मिनट हो चुके हैं और पुलाव बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, और ये जो प्याज हमने बचाए थे ये भी हम इसमें डाल देंगे। और यहीं पर मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल देती हूँ। बिरयानी मसाले का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देना है, आप वहाँ से चेक कर लें। और 2 मिनट गैस मैं बंद कर चुकी हूँ और दो मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं, फिर उसके बाद मैं सर्व करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें सर्व करना है। तो ये देखिए जनाब तैयार है गर्मा गर्म पुलाव, चिकन पुलाव आज ये। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है आपको आसान लगी होगी, और इंशाल्लाह आपको इसका जायका भी पूरा मिलने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।